इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme Narzo 30A एंड Samsung M12 के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं Realme Narzo 30A के बारे में, इसके हम अनबॉक्सिंग भी साथ में दिखाएंगे आपको, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसके बॉक्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसके बॉक्स में आपको एक केबल देखने को मिलेगी, साथ ही एडाप्टर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा। अब बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसमें प्रोसेसर आपको हीलो G85 देखने को मिलेगा, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है। तो अगर गेमिंग के लिए मोबाइल लेना चाहते हो तो बहुत अच्छा आपके लिए मोबाइल हो सकता है। बात करें इसके बैटरी की, 6000 mAh की बैटरी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब आप गेमिंग के शौकीन हो तो बहुत देर तक आप गेमिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। वहीं बात करें इसके डिस्प्ले की, तो 16.5 mini ड्रॉप फुल स्क्रीन डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। जैसे मैंने बताया, इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी दी गई है, तो उसको चार्ज करने के लिए 18 volt का क्विक चार्ज भी आपको इसमें दिया गया है। फास्ट चार्ज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करें इसके कैमरे की, तो 13 megapixel का AI डुअल कैमरा इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा खासा एक कैमरा है। वहीं आपको इसमें पावर सेविंग मोड भी देखने को मिल जाता है, यानी कि कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी बैटरी मोबाइल में कम हो तो आप इसको ऑन कर सकते हो और अपनी जो कैपेसिटी है बैटरी की वो थोड़ी इंक्रीज कर सकते हो। इसमें आपको 3 कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएंगे, इसमें आप 2 SIM कार्ड यूज़ कर सकते हो। बात करें इसके डिजाइनिंग की, तो इसकी डिजाइनिंग आपको बहुत ज़्यादा शानदार देखने को लगेगी, साथ ही स्लिम भी आपके इसके साथ होने वाला है। तो अगर आप ये मोबाइल लेना चाहते हो तो अमेजोन से आप इसको 9200 के अंदर ले सकते हो। अगर आपकी किस्मत हुई तो वहाँ आपको कुछ बैंक ऑफर भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि इसकी प्राइस में आपको कुछ छूट मिल जाएगी। अब बात करें हमारे दूसरे मोबाइल की, जो कि है सैमसंग की तरफ से। हम दूसरे मोबाइल की जो बात करने वाले वो है सैमसंग गैलेक्सी। तो चलिए बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M12 के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कलर के बारे में, तो इसमें आपको 3 कलर देखने को मिल जाएंगे, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। जो कलर आपको पसंद आए वो कलर आप इसमें ले सकते हो। वहीं बात करें इसके रैम रोम की, तो इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, जिसका फर्स्ट वेरिएंट है वो 4GB RAM 64GB के साथ मिलेगा, इसका सेकंड वेरिएंट 6GB RAM 128GB के साथ देखने को मिल जाएगा। इसमें आप मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हो 1TB तक का। इसमें आपको डुअल सिम सपोर्टेड है, नैनो प्लस जो कि दोनों सिम आप इसमें 4G प्लस 4G यूज़ कर सकते हो एक ही टाइम पर। बात करें इसके डिस्प्ले की, तो 6.5 inch की HD+TFT LCD इसमें देखने को मिल जाएगी, जो कि इन्फिनाइट वी कट के साथ देखने को मिलेगी। रेजुलेशन इसमें आपको 720x1600 pixel देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसके कैमरे की, तो कैमरे में आपको क्वाड सेटअप देखने को मिलेगा। मेन कैमरा इसका आपको 48 megapixel का होने वाला है, जो कि f2.0 मेन कैमरा होगा। साथ ही बात करें इसके वाइड एंगल लेंस की, तो वो 5 megapixel का f2.2 वाइड एंगल लेंस कैमरा देखने को मिलेगा। साथ ही 2 megapixel का आपको उसमें डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि f2.4 के साथ आने वाला है। साथ ही इसमें आपको माइक्रो कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, जो कि 2 megapixel का होने वाला है 2.4 के साथ। वहीं बात करें इसके फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरे में आपको इसमें 8 megapixel का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा खासा सेल्फी कैमरा है। बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में, तो प्रोसेसर में आपको एंड्रॉयड 11 के ऊपर ये वर्क करता है, V11 OS के ऊपर ये वर्क करता है। इसमें आपको 1 Xeon 850 octa-core प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। नॉर्मली प्रोसेसर बहुत अच्छा है, इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते, बट अच्छा खासा है। बात करें इसके बैटरी की, तो 6000 mAh की इसमें बैटरी देखने को आपको मिल जाएगी। बैटरी भी इस मोबाइल में काफ़ी अच्छी खासी दे दी गई है,
6000 mAh की बैटरी बहुत ज़्यादा होती है। बात करें इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो इसमें आपको हेडसेट, इजेक्टर पिन, मैनुअल डाटा केबल एंड ट्रेवल अडॉप्टर भी मिल जाएगा। अगर ये मोबाइल आप लेना चाहते हो तो ये मोबाइल अमेजोन पर आपको 10 से 11 हज़ार रुपये के बीच में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।